तो व्यूअर्स वेलकम टू दिस चैलेंज वीडियो। 50 मिलियन US डॉलर का ये चैलेंज और बहुत ही यूनिक है। यूट्यूब पे ऐसी और कोई वीडियो आपको नहीं मिलेगी। पाकिस्तान की तरफ से चार गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हैं। ये खड़ी हैं नेपाल की चार गाड़ियाँ इस चैलेंज में जो कम्पीट करेंगी। यूएसए की तरफ से ये वाली चार गाड़ियाँ और बांग्लादेश की तरफ से ये वाली चार गाड़ियाँ और लास्ट में खड़ी हैं हमारी इंडिया की चार गाड़ियाँ जो कि इस चैलेंज में जो है पार्टिसिपेट करेंगी। तो ये फर्स्ट स्टेज है, देखते हैं कि पहले कौन सी गाड़ी कैसे परफॉर्म करती है। इंडिया की तरफ हमने ली है होंडा सिटी और पहली स्टेज में हम लोग सभी कंट्री की पहले पहली गाड़ियों को इस रैम से लेकर जाएंगे और बिल्कुल मैं अनबायस्ड होकर इस रैम को जो है वो ड्राइव कर रहा हूँ। गाड़ियाँ गाइस इसमें मैं किसी भी कंट्री की सपोर्ट नहीं कर रहा और यहाँ से हमारी जो है इंडिया की गाड़ी जो है वो बहुत ही बुरी तरीके से गिर गई है और आप लोग देख सकते हो कि हमारी गाड़ी जो है वो पानी में चली गई है और इस चैलेंज से डिसक्वालीफाई हो गई है। तो इंडिया को इसका कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। लेते हैं हम लोग बांग्लादेश की तरफ से टोयोटा फॉर्च्यूनर, तो इसको लेकर चलते हैं नीचे, देखते हैं कि क्या ये गाड़ी नीचे पहुंच पाती है कि नहीं। और अभी हम लोगों ने ली है बांग्लादेश की गाड़ी और बांग्लादेश में बहुत ही महंगी है ये वाली गाड़ी गाइस, लेकिन हमारी गाड़ी जो है यहाँ पर बहुत ही बुरे तरीके से फ्लिप कर रही है और देख सकते हो आप लोग डोर बिल्कुल टूट गए हैं और हमारी गाड़ी की जो कंडीशन है वो बहुत ही बुरी होने वाली है। और यहाँ पर हमारी जो है टोयोटा फॉर्च्यूनर जो है वो अभी भी ड्राइव के लायक है, मतलब इंजन अभी काम कर रहा है। तो हम लोग इसको नीचे लेकर जाएंगे। जंप आप लोग गाइस देख सकते हो, हमारी टोयोटा फॉर्च्यूनर बहुत ही पावरफुल गाड़ी है ये वाली गाइस। तो अभी तक तो ये गाड़ी वर्किंग में है, तो इसको नीचे लेकर चलते हैं। आप लोग देख सकते हो फ्रंट से धुआं निकलने लग गया है। यहाँ से हमारी गाड़ी पहुँच चुकी है और अभी मिलता है बांग्लादेश को एक पॉइंट। तो यहाँ पर बांग्लादेश का एक पॉइंट हो चुका है। लेते हैं हम लोग यूएसए की तरफ से भाई ये वाली जो है वो SUV गाड़ी, फुल साइज़ गाड़ी। आप लोग देख सकते हो गाइस यूएसए में ये गाड़ी बहुत ज़्यादा फेमस है और आप लोग इसका जंप देख सकते हो गाइस। और यूएसए में भाई SUV बीस्ट है, ये बहुत ही बड़े साइज़ है गाइस इस गाड़ी का। और यहाँ पर आप लोग इसकी पावर भी देख सकते हो, जंप इसका दो जंप में भाई ये गाड़ी नीचे पहुँच गई है। और क्या चाहिए आपको, यहाँ पर हमारी यूएसए की गाड़ी पहुँच चुकी है नीचे। हम लोग इसको सीधा करेंगे और इसका पॉइंट मिलता है एक यूएसए को। यूएसए का एक पॉइंट हो चुका है यहाँ तक। और यहाँ से हम लोग लेते हैं भाई नेपाल की ये टोयोटा की SUV। ये मेरे ख्याल में लैंड क्रूज़र है, पुराना मॉडल। और देखते हैं कि क्या नेपाल की ये गाड़ी नेपाल को एक पॉइंट दिलवा सकती है कि नहीं, और इस चैलेंज में क्या नेपाल जो है वो कैसे परफॉर्म करता है। ये गाड़ी जो है अभी दिखा देगी आपको, बहुत ही अभी तक तो बढ़िया चल रही है ये गाड़ी। और गाइस बिल्कुल अनबायस्ड होकर मैं इस चैलेंज को जो है वो कर रहा हूँ। किसी भी कंट्री गाइस मैं साइड नहीं लूँगा, जैसी गेम रिकॉर्ड हुई है वैसी ही मैं आपको दिखाऊँगा, कोई भी इसमें चेंजेस नहीं लाऊँगा। तो यहाँ पर हमारी बाइक देख सकते हो टोयोटा लैंड क्रूज़र जो हमारी बहुत ही बुरी तरीके से टूट फूट चुकी है। दौर तो भाई सभी गाड़ियों के टूट गए हैं यहाँ आने तक। और यहाँ पर भाई एक पॉइंट मिलता है नेपाल को और नेपाल का एक पॉइंट हो गया है। लेते हैं हम लोग पाकिस्तान की तरफ से सुजुकी आल्टो। भाई पाकिस्तान की सबसे सस्ती गाड़ी है ये, तो देखते हैं कि सबसे सस्ती गाड़ी कैसे परफॉर्म करती है इस रैम चैलेंज में। तो देख सकते हो भाई हमारी सुजुकी आल्टो जो है वो बहुत ही बढ़िया जंप लगा रही है। इसमें हम लोगों ने स्पोर्ट किट भी जो है वो इंस्टॉल करवाई थी, तो उसी वजह से इसकी जो स्पीड है वो बहुत ही बढ़िया हो गई है, वरना इसका इंजन तो इतना भाई कोई खास है नहीं। सबसे सस्ती गाड़ी है तो आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ से हमारी भाई टोयोटा सुजुकी, हाँ सुजुकी आल्टो जो है वो पहुँच चुकी है लेकिन पानी में गिर गई है। हम लोग ट्राई करेंगे क्योंकि इसका इंजन अभी भी वर्क कर रहा है, तो हम लोग इसको रिवर्स लेकर जा रहे हैं। और यहाँ से हमारी गाड़ी बाहर निकल गई और एक पॉइंट मिलता है पाकिस्तान को। बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया हमारी सुजुकी आल्टो ने। तो स्टेज टू आ गई है भाई। स्टेज टू में हम लोग इंडिया की लेते हैं पहले टाटा पंच, तो भाई दूसरी स्टेज है। तो देखते हैं कि इसमें सभी गाड़ियाँ कैसे परफॉर्म करती हैं। हम लोग सभी गाड़ियों की, सभी कंट्रीज़ की दूसरी गाड़ियों को इसमें टेस्ट करेंगे। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमारी टाटा पंच का जंप, बहुत ही अमेजिंग जंप लगाया इसने। और दूसरा जंप भी आप लोग गाइस देख सकते हो कितना बढ़िया परफॉर्म कर रही है हमारी टाटा पंच। और टाटा की ये वाली गाड़ी भाई बहुत ही ज़्यादा फेमस है अभी इंडिया में। और यहाँ पर हमारी गाड़ी पहुँच चुकी है, एक पॉइंट मिलता है इंडिया को। बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया इस गाड़ी ने। तो हम लोग देखते हैं भाई बांग्लादेश की तरफ से ये वाली गाड़ी और टोयोटा की। भाई ये गाड़ी बांग्लादेश में बहुत ही ज़्यादा फेमस है, आपको रोड पे बहुत ज़्यादा मिलेगी ये वाली गाड़ी। और यहाँ से आप लोग इसकी परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो कि पहले ही इसने बहुत ही बढ़िया जंप लगा दिया।
लेकिन यहाँ पर हमारी गाड़ी जो है बहुत ही बुरे तरीके से क्रैश हो गई। लेकिन हम लोग दोबारा इसमें बैठ गए हैं और हम लोग दोबारा इसको ड्राइव करेंगे। जब तक इसका इंजन चलेगा गाइस किसी भी गाड़ी का, तो हम लोग उसको ड्राइव करते रहेंगे। जंप आप लोग देख सकते हो और ये जंप भाई नीचे लेकर आ गया इस गाड़ी को। और एक पॉइंट मिलता है भाई बांग्लादेश को, बांग्लादेश के हो गए हैं 2 पॉइंट और स्टेज 2 में बांग्लादेश का 2 पॉइंट हो चुके हैं। यहाँ से हम लोग लेते हैं भाई यूएसए की तरफ से ये वाला ट्रक। भाई यूएसए में ये ट्रक बहुत ही फेमस है, अगर आप लोग यूएसए से हो तो आपको तो पता ही होगा कि आपको रोड पे ये वाला ट्रक तो दिखता ही है यूएसए में। और कंस्ट्रक्शन के लोग ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें सामान आप बहुत सारा लेकर जा सकते हो। लेकिन इसकी कंडीशन आप लोग यहाँ देख सकते हो, लेकिन फिर भी हमारा ट्रक जो है वो बहुत ही पावरफुल है यूएसए की तरफ से। ये वाला ट्रक फोर्ड का ट्रक है ये मे बी। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यार हमारा ट्रक जो है वो जंप लगा कर पहुँच चुका है नीचे। एक पॉइंट मिलता है यूएसए को, यूएसए के हो गए 2 पॉइंट। तो स्टेज 2 में यूएसए ने भी बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया अभी तक। तो बांग्लादेश और यूएसए अभी आगे चल रहे हैं। नेपाल की तरफ से हम लोगों ने भाई ली है टाटा की ये वाली गाड़ी। और टाटा की ये वाली गाड़ी भाई नेपाल में बहुत ज़्यादा फेमस है। और आप लोग इसका जंप देख सकते हो यार, बिल्कुल हमारी एक्सपेक्टेशन से भी बढ़ के हैं। गाड़ी छोटी है दिखने में लेकिन परफॉर्मेंस में बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि ये गाड़ी भी भाई इंडियन मेड है, मेड इन इंडिया है। तो हमारी गाड़ी देखो कैसे यार स्लिप कर रही है, गाड़ी की जो ग्रिप है वो मुझे कम लग रही है यहाँ पर। और हमारी गाड़ी बहुत ही ज़्यादा फ्लिप कर रही है ये वाली टाटा की। लेकिन फिर भी बहुत अच्छी बात है कि ये गाड़ी जो है वो नीचे पहुँच गई है, पानी में नहीं गिरी। और तो 2 पॉइंट मिलते हैं भाई यहाँ पर, नेपाल के 2 पॉइंट हो गए हैं। स्टेज 2 में भाई नेपाल, यूएसए और बांग्लादेश अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हम लोगों ने लिया भाई पाकिस्तान की तरफ से टोयोटा करोला। तो देखते हैं अभी ये गाड़ी कैसे परफॉर्म करती है। इसको मैं सेंटर में लेकर जा रहा हूँ ताकि पानी में ना गिरे ये गाड़ी। वाह, तो आप लोग जंप देख सकते हो भाई, पाकिस्तान में ये गाड़ी भाई बहुत ज़्यादा फेमस है पिछले 8-10 सालों से। लेकिन हमारी यहाँ पर गाड़ी जो है वो कंट्रोल से बाहर हो गई है और हमारी गाड़ी जो है अभी पानी में जाने वाली है। और पानी में जाने के बाद ये वाली गाड़ी हो जाएगी गेम से बाहर। स्टेज 3 आ गई है। सो स्टेज 3 में हम लोग लेते हैं पहले इंडिया की ये वाली गाड़ी। तो इंडिया की भाई ये जीप देखते हैं कि कैसे परफॉर्म करती है इस चैलेंज में। और स्टेज 3 में हम लोग सभी कंट्री के जो तीसरी गाड़ियाँ हैं उनको लेंगे और देखेंगे कि बाकी कंट्रीज़ की बाकी गाड़ियाँ कैसे परफॉर्म करती हैं। यहाँ पर इंडिया की भाई ये वाली जीप जो है बहुत ही अमेजिंगली जंप लगा रही है। और हम लोग अभी जो है इसको बहुत ही कंट्रोल करेंगे ताकि इंडिया को पॉइंट मिले जितने मिल सकते हैं, क्योंकि हम लोगों की पहले भी गाड़ी जो है वो कंट्रोल से बाहर चली गई। लेकिन हमारी ये गाड़ी बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है। और गाइस अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक जस्ट गेम है, आप लोग इसको सीरियसली मत लीजिएगा। और गेम में हार जीत होती रहती है। यहाँ से हमारी गाड़ी भाई पहुँच चुकी है इंडिया को, मिलते हैं 2 पॉइंट। और हम लोग लेते हैं बांग्लादेश की तरफ से टोयोटा की ये वाली एसयूवी और इसको लेकर चलते हैं इस रैंप के नीचे। तो देखते हैं हमारी ये वाली भाई गाड़ी कैसी परफॉर्म करती है बांग्लादेश की तरफ से। हमारा रैंप बहुत ही डेंजरस है गाइस, लेकिन हमारी गाड़ियाँ जो है वो भी हम लोगों ने बहुत ही बढ़िया ली हैं जो इस रैंप में सही से कम्पीट कर पाए। तो देख सकते हो आप लोग गाइस, बांग्लादेश की हमारी ये एसयूवी अभी जा रही है सही तरीके से। और ये इसने जंप लगाया, तो ये जंप भाई बहुत काफ़ी रहेगा इसको नीचे पहुंचने में। और यहाँ हमारी भाई बांग्लादेश की गाड़ी पहुंच चुकी है और पॉइंट मिलता है बांग्लादेश को, बांग्लादेश को गए 3 पॉइंट। तो बांग्लादेश बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रहा है भाई स्टेज 3 में भी। यूएसए की तरफ से हमने ली है हुंडई की सोनाटा। तो देखते हैं भाई ये गाड़ी कैसे परफॉर्म करती है। और यूएसए में भाई बहुत ज़्यादा फेमस है अभी ये गाड़ी। और यूएसए के अलावा और भी कंट्रीज़ में भाई ये गाड़ी अभी चल रही है, सेल हो रही है, जैसे इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान में। और हमारी ये गाड़ी भाई बहुत ही बढ़िया जा रही है। और बहुत सारे फीचर्स हैं अमेजिंग इस गाड़ी में, कि जो भी भाई इस गाड़ी में बैठता है उसको पता चलता है कि वो किसी गाड़ी में बैठा है। यहाँ पर हमारी भाई यूएसए की गाड़ी पहुँच चुके हैं नीचे और पॉइंट मिलता है यूएसए को, यूएसए के हो गए 3 पॉइंट। और हम लोग इसको खड़ा कर देंगे। तो यहाँ से हम लोग लेते हैं भाई नेपाल की ये टोयोटा हाइलक्स। तो देखते हैं भाई नेपाल की ये गाड़ी कैसे परफॉर्म करती है इस चैलेंज में। स्टेज 3 चल रहा है हमारा और स्टेज 3 में भाई बांग्लादेश, यूएसए और नेपाल अभी तक आगे जा रहे हैं। पाकिस्तान और जो है वो इंडिया, इनके कम पॉइंट हैं। लेकिन हमारी नेपाल की भाई ये गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होके पानी में जा रही है। तो देख सकते हैं कि आप लोग हमारी गाड़ी पानी में चले गए, लेकिन हमारी गाड़ी अभी भी वर्क कर रही है, इंजन चल रहा है
और हमारी गाड़ी की पावरफुल ग्रिप की वजह से ये गाड़ी बाहर आ गई। 3 पॉइंट मिलते हैं नेपाल को। तो हम लोगों ने लिए है भाई पाकिस्तान की तरफ से टोयोटा लैंड क्रूज़र। तो देखते हैं कि पाकिस्तान की ये महंगे वाली गाड़ी कैसे परफॉर्म करती है इस चैलेंज में। तो पाकिस्तान की भाई ये गाड़ी बहुत ही पावरफुल है और बहुत ही ज़्यादा फेमस है, लेकिन उतनी ही ज़्यादा महंगी भी है। पाकिस्तान में ये गाड़ी करोड़ों रुपए की है ये गाड़ी, लेकिन आप लोग इसकी कंडीशन अभी देख सकते हो। हमारी गाड़ी के जो है डोर ओपन हो रहे हैं और आगे से जो है सब कुछ टूट फूट चुका है, और हमारी गाड़ी लेकिन अभी भी बहुत ही इम्प्रेसिव जंप लगा रही है। और आप लोग देख सकते हो जंप जो है वो बहुत ही बुरे तरीके से नीचे आई हमारी गाड़ी। यह हमारी गाड़ी यह कंट्रोल से बाहर हो रही है, लेकिन हम लोग भाई इसकी स्पीड को कम कर देंगे ताकि कंट्रोल हमारा गाड़ी भी अच्छा हो सके। तो हमारी गाड़ी जो है इंडिया पाकिस्तान की तरफ से टोयोटा लैंड क्रूज़र ऑलमोस्ट पहुंच गई है, और पॉइंट मिलता है पाकिस्तान को। पाकिस्तान के हो गए 2 पॉइंट। तो हमारा भाई फाइनल स्टेज है और सभी कंट्रीज़ की आखिरी गाड़ी हम लोग लेंगे। इंडिया की तरफ से हम लोगों ने ली है महिंद्रा की XUV 500। और भाई ये वाली बहुत ही ज़्यादा फेमस मॉडल है अभी इंडिया में, महिंद्रा का XUV। इसके डिफरेंट वेरिएंट है, लेकिन हमारे पास महिंद्रा का XUV 500 जो है वो वेरिएंट है। हमारी गाड़ी अभी अच्छी जा रही है और बिल्कुल क्लीन है, कुछ ज़्यादा टूट फूट नहीं हुई इस गाड़ी की, लेकिन जंप जो है वो बहुत ही डेंजरस लगा रही है गाड़ी। और ये गाड़ी यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से पहुँची और सबसे बढ़िया पहुँची है। 3 पॉइंट मिलते हैं इंडिया को। और यहाँ से हम लोग लेते हैं भाई बांग्लादेश की लास्ट गाड़ी सुजुकी वैगन और पुराना मॉडल। तो देखते हैं कि हमारी ये वाली बांग्लादेश की गाड़ी जो है वो कहाँ तक जाती है। तो यहाँ पर भाई फाइनल स्टेज चल रही है और बांग्लादेश USA और नेपाल के पॉइंट जो है वो अभी तक सबसे ज़्यादा जा रहे हैं। इंडिया और पाकिस्तान के पॉइंट जो है वो कम है, लेकिन कोई बात नहीं गाइज, ये जस्ट एक गेम है, आप लोग सीरियसली मत लीजिएगा, दिल पे मत लीजिएगा, जस्ट गेम है। और गेम में हार जीत जो है वो गेम का हिस्सा होता है, पार्ट ऑफ द गेम। और यहाँ पर भाई आप लोग देख सकते हो हमारी बांग्लादेश की गाड़ी जो है वो वैगन और बिल्कुल उसके डोर टूट गए हैं, लेकिन हमारी गाड़ी अभी भी ड्राइव करने के काबिल है। और यहाँ पर भाई हमारी गाड़ी पहुँच चुकी है 4 पॉइंट बांग्लादेश के। और यहाँ भाई हम लोग लेते हैं USA की तरफ से टेस्ला की ये वाली भाई गाड़ी, और टेस्ला का ये मॉडल भाई बहुत ही क्लासिक मॉडल है, देख सकते हो आप लोग, स्पोर्ट फीचर भी है इसमें, लेकिन हमारी गाड़ी जो है वो जंप लगाते हुए थोड़ा सा गड़बड़ कर रही है। यहाँ से आप लोग तो भाई देख सकते हो USA की लास्ट गाड़ी है, और कंडीशन आप लोग देख सकते हो भाई टेस्ला की हर चीज़ जो है वो टूट फूट चुकी है, लेकिन फिर भी हमारी गाड़ी की जो ट्रैक्शन है, कंट्रोल है, वो बहुत ही कमाल का है इस गाड़ी का। और हमारी गाड़ी जो है वो बिल्कुल टूट चुकी है टेस्ला की, लेकिन हमारी गाड़ी ऑलमोस्ट पहुंचने ही वाली है। और यहाँ पर हमारी गाड़ी पहुंच चुकी है नीचे 4 पॉइंट USA के फाइनल स्टेज में। भाई USA ने भी बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया। लेते हैं हम लोग नेपाल की तरफ से सुजुकी आल्टो। तो देखते हैं भाई हमारी ये सुजुकी आल्टो कैसे परफॉर्म करती है नेपाल का ये चैलेंज। नेपाल की तरफ से क्या नेपाल को 1 पॉइंट दिलवा सकती है कि नहीं। नेपाल के अभी तक 3 पॉइंट हैं, और हमारी ये गाड़ी जो है नेपाल की तरफ से लास्ट गाड़ी है। देख रहे हो गाइस, आप लोग जंप लगा रही है हमारी गाड़ी बहुत ही बढ़िया वे से, और ये हमारी गाड़ी लैंड कर गई और ऑलमोस्ट पहुंचने ही वाली है। और यहाँ पर हमारी गाड़ी पहुंच चुकी है, नेपाल को मिलता है 1 पॉइंट और 4 पॉइंट नेपाल के। और लेते हैं हम लोग भाई पाकिस्तान की तरफ से लास्ट गाड़ी टोयोटा हाइलक्स। और भाई ये गाड़ी पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा फेमस है, जो भी भाई इसको देखता है गाड़ी को वो दिल में सोचता है कि यार उसके पास भी ये गाड़ी हो। लेकिन हमारी गाड़ी भाई बहुत ही बढ़िया जंप लगा रही है, इसमें इंजन जो है वो बहुत ही पावरफुल है, आप लोग देख सकते हो जंप पे जंप लग रहे हैं भाई हमारी गाड़ी के। और यहाँ पर भाई बांग्लादेश USA और नेपाल ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के पॉइंट भी कम नहीं है। और यहाँ पर हमारी गाड़ी पहुँच चुकी है और पाकिस्तान के हो गए 3 पॉइंट। तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो आपको कैसी लगी गाइज़, वीडियो को दिल पे मत लीजिएगा, और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।